ओके सो अगर हमने किसी सर्किट को मैटलैब पे वेरीफाई करना है इंस्टेड ऑफ मल्टी सिम, तो हमने क्या करना है? मैटलैब को ओपन करने के बाद सिमुलिंक पे जाना है, सिमुलिंक में जाने के बाद लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में आप जाके जो एलिमेंट आपको चाहिए उसको आप सर्च में जाएं, ठीक है? आप ऊपर सर्च में जाएंगे और जहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है यहाँ पे आप एंटर कर दें, लाइक एंटर द डीसी वोल्टेज। आई हैव एंटर द डीसी वोल्टेज एंड आई गॉट द डीसी वोल्टेज इन मैटलैब। यू नीड पावर जी आई ब्लॉक फॉर रनिंग योर सर्किट्स। आई हैव टेकन पावर जी आई ब्लॉक बट यू नीड एल्स आई नीड। और उसके अलावा मैंने लिया है सीरीज़ आर एल सी ब्रांच। सीरीज़ आर एल सी ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने ऐड टू अनटाइटल की हैं। ऐड टू अनटाइटल करने के बाद मैंने अपने सर्किट को बनाया, लाइक ऐड टू अनटाइटल करने के बाद मैंने ये जो सीरीज़ आर एल सी ब्रांच आया था इसको सेलेक्ट किया और मैंने सिर्फ आर आर को यहाँ पे सेलेक्ट किया। रेजिस्टेंस मुझे सिर्फ चाहिए थी सो आई जस्ट सेलेक्टेड द पैरामीटर ब्रांच टाइप एट आर। फर्स्ट इट वॉज लाइक आर एल सी सीरीज आर एल सी ब्रांच, ओके। फिर मैंने इनको वेरियस दी हैं 10 वोल्ट्स की और 10 ओम की, जिस तरह से मैंने इसको क्विज में आपको सॉल्व करके दिखाया है। सो सर्किट को रन करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो करंट है लोड में से फ्लो होने वाला करंट दैट इज़ इक्वल टू 0.33 एम्पेयर्स एंड इट इज़ द करंट विच आई हैव कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। सो इट्स बेटर टू यूज़ द मैटलैब एज आवर रिसर्च वर्क इज़ ऑल डन ऑन मैटलैब इंस्टेड ऑफ मल्टीसिम। सो दिस वॉज थेवेनिन थ्योरम सोल्यूशन इन मैटलैब।